दक्षिणी लेबनान से सटा इसराइल का उत्तरी इलाका हिजबुल्ला के आग उगलते हमलों से धधक रहा है। गाजा के बाद उत्तरी इसराइल में ही सबसे ज्यादा भीषण हमले हो रहे हैं। उत्तरी इसराइल के कोने कोने में हिजबुल्ला लड़ाके अपने जोरदार हवाई हमले कर रहे हैं। उत्तरी मोर्चे में जबरदस्त तबाही मची हुई है। वहीं हिजबुल्ला को कड़ी चुनौती देते हुए इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी छोर पर बम बरसा रही है। इससे प्रतिशोध की आग में जल रहे हिजबुल्ला ने फिर से जोरदार हमला कर इलाके में सनसनी मचाई है। हिजबुल्ला ने उत्तर में एक इजरायली सैन्य कमांड सेंटर पर कत्यूशा रॉकेटों की बौछार कर इलाके में सन्नाटा पसार दिया। समूह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसराइल को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्ला ने बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने शनिवार सुबह माउंट नोरिया बेस पर गोलानी ब्रिगेड मुख्यालय को रॉकेटों से निशाना बनाया। लड़ाकों के सीधे हमले में इजरायली कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। समूह ने इसराइल पर की गई ये तीखी प्रतिक्रिया खासतौर से बिंट जिबेल जिले के फ्रॉन गांव में हालिया इजरायली हमले के जवाब में की गई। इसके अलावा हिजबुल्ला ने गाजा में समर्थन में फिलिस्तीनी और प्रतिरोधी गुटों के समर्थन में यह हमला किया। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमलों पर इजरायली सेना का भी बयान सामने आया है। IDF ने बताया कि दक्षिणी लेबनान से कब्जे वाले के उत्तरी हिस्से पर कम से कम 30 रॉकेट लगे गए। हिजबुल्ला के भयंकर हमलों से निपटने में इसराइल को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि एक इजरायली हमले के जवाब में दक्षिणी शहर कफरा में एक हिजबुल्ला सेनानी मारा गया है। हिजबुल्ला ने आगे बताया कि उसके तोपखाने के गोले से इजरायली हदाब यारोन साइट को भी निशाना बनाया है। लड़ाकों ने हिंसक हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए विस्फोटक से भरे ड्रोन से मयान बारूक पोस्ट को निशाना बनाया। बाद में इजरायली मेटुल्ला और मिनारा सैन्य स्थलों में जेबदीन बैरक और इमारतों और निगरानी उपकरणों को निशाना बनाया गया। दावा है कि समूह ने कब्जे वाले शीबा फार्म्स में एक पोस्ट को भी निशाना बनाया। हिजबुल्ला के कामिकेज ड्रोन की एक बड़ी सीरीज चलाते हुए उत्तरी इसराइल के हर एक कोने को दहलाया। समूह ने दावा किया कि अबिरेम इलाके में इजरायली सैनिकों की टुकड़ी को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, समूह ने फलक मिसाइलों से उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन के किरत शमोना बस्ती को निशाना बनाकर तबाही मचाई। समूह ने दावा किया कि ये हमले दक्षिणी गांवों और नागरिक इलाकों पर कब्जे के हालिया हमलों का सीधा जवाब भी था। खासतौर से इसमें फारून शहर में चिकित्सा दल पर हालिया हमला शामिल था। इससे नागरिक सुरक्षा सदस्यों की शहादत हुई और अन्य घायल हुए। हिजबुल्ला के खतरनाक हमलों से त्रस्त इजरायली सेना ने बड़ा कदम उठाया है। किरत शमोना में बसने वालों को गढ़वाले इलाकों में रहने का निर्देश दिया गया है। दरअसल हिजबुल्ला के भीषण हमलों के चलते बस्ती में बार बार अलर्ट सायरन बजते रहते हैं। इन अलर्ट के पास के ही मिसगांव एम अलमनारा और कफर गिलादी बस्तियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। इस बीच लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने कब्जे वाले फिलिस्तीन की सीमा पर लगे निगरानी उपकरणों को निशाना बनाने वाले फुटेज जारी किए। इसमें देखा जा सकता है कि इजरायली सेना की ओर से लगाए गए जासूसी कैमरों और सेंटर्स को एक झटके में तबाह किया गया। इसके अलावा समूह ने लेबनान फिलिस्तीनी बॉर्डर पर अपने बिरानित बैरक को निशाना बनाने को भी दहलाने वाला फुटेज जारी किया है।